नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं ओनली प्रैक्टिस सेट पर कोई प्रैक्टिस सेट जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं, और उसका रीज़न था दोस्तों कि जो आपका UPSC प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम होना स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है, तो उसके नोट्स मैं तैयार कर रहा था। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है समय भी लगा, मैं काफ़ी परेशान भी हुआ उन नोट्स को तैयार करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में किसी भी तरीके का ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और जहाँ से स्टडी करके आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज की डेट में दोस्तों PDF और हार्ड कॉपी दोनों में मैंने नोट्स तैयार कर दिए, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, देखिए जो भी मैं हार्ड कॉपी या PDF तैयार करता हूँ, नोट्स तैयार कराता हूँ, तो उसके पीछे मेरा काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं, काफ़ी मेरा खर्चा होता है और जो समय लगता है वो अलग की बात है। इसलिए मैंने कुछ कॉस्ट डिसाइड की हुई है, तो यदि किसी को चाहिए होगा दोस्तों, देखिए मैं फिर एक बार कर रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री बिल्कुल भी नहीं है, कुछ उसकी कास्ट है, लेकिन कास्ट ऐसी है जैसा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केरल का राजकीय फल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें, कटहल जो है केरल का राजकीय फल है, और इसको अभी हाल ही में आप माने 2018 में जो है केरल ने इसको जो है घोषित किया था। योग आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन इंडिया हाउस का संस्थापक था? तो आपको बता दें दोस्तों कि जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है वो इंडिया हाउस के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, नुबियन मरुभूमि स्थित है, तो ये जो नुबियन मरुभूमि है दोस्तों ये आपकी स्थित है सूडान में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो त्यागभूमि नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, इसको हरिभाऊ उपाध्याय ने जो है संपादित किया था, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त समूह ओ है, तो उसके पुत्र में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों जो पुत्र होता है उसमें माँ का समूह जाने की ज़्यादा संभावना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी रक्त समूह ओ, ऑप्शन सी ऑप्शन 6 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 9,26,100 हो, तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? इसमें थोड़ा सा आपको दोस्तों कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, और यदि आपका तब भी आंसर नहीं निकलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर इसका जो है जो सोल्यूशन होगा वो आपको मैं PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए 8,40,000 राइट आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये श्रृंखला है -1, 5, क्वेश्चन मार्क 29, 47, तो इसका राइट आंसर बताते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है कि पहले 6, फिर 4 सम करेंगे 10, फिर 4 सम करेंगे तो 14, यानी 6, 10, 14, 18 इस तरीके से इसमें सम हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन 8 का सही होगा वो हो जाएगा आपका बी 15। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचता है? तो आपको बता दें दोस्तों कि जो ये दिए हुए नाम है इनमें सबसे पहले जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो गंगा सिंधु मैदान में पहुंचता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार की संस्थाएँ हैं? तो आपको बता दें दोस्तों कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो सलाहकार संस्थाएँ हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये इनको प्रदान किया गया था दोस्तों 1955 में। आपको याद ही होगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी, और 1954 में 3 लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रंगून शहर यानी म्यांमार किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो रंगून शहर है दोस्तों वो आपका स्थित है इरावती नदी के तट पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र निम्नलिखित में से किस देश का है? तो जो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है वो जापान का है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का वह एकमात्र क्षेत्र कौन सा है जहाँ मैग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है? यानी ये तीनों प्रकार के वन जो है मैग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं,
तो वह है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का एकमात्र क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भोजन में लोहे का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हरी सब्जियां होती हैं वो लोहे का जो है मुख्य स्रोत होता है, और उसमें भी अगर हम पालक की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्रोत होता है पालक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, हरी सब्जियाँ। एंड क्वेश्चन नंबर 16, दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें जिस पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर विक्रय करने पर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। देखिए मिश्रण का सवाल है दोस्तों, इससे संबंधित मैंने जो है अलग से एक जो पूरा तरीका है, इजी मेथड है, वो मैंने आपको सार्थक क्लासेस में प्रोवाइड कर रखा है। तो आप वहाँ से, अगर आपको नहीं समझ आता है तो वहाँ से वीडियो देख के ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो 5:1। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था न्यूटन ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, न कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन बी जो है गलत है, सुमेलित नहीं है सही से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में वह पौधा कौन सा है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? देखिए नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए हम आपको बता दें दोस्तों कि जितनी भी ये दलहन होती है यानी दाल की जो फसलें होती हैं, इनकी जड़ों में आप ये मान लीजिए कि जो दाल के पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए सहायक होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे सेम की अगर हम बात करें, मटर की बात करें, चना की बात करें, तो ये सब जो है दलहन के अंतर्गत यानी दाल के अंतर्गत आती है, लेकिन धान ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी बहुत जल्दी ये मनाया गया है, आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 20 का वो है सी, 10 अप्रैल। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किस मुगल शासक ने रखा था? काफ़ी चर्चा में रहा इधर प्रयागराज, तो ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो आपको बता दें दोस्तों अकबर ने जो है प्रयागराज का नाम जो है इलाहाबाद रखा हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भारत में दूरभाष की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में दोस्तों जो दूरभाष की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश की संसद में बंदूक रखने के कानून में परिवर्तन हेतु मतदान किया गया? तो ये काफ़ी चर्चा में थी ये न्यूज़, तो इसका जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद में जो है, और ये जो कानून आया था न्यूजीलैंड की संसद में बहुमत से पास हुआ था, इसके विपक्ष में शायद एक ही वोट पड़ी थी। यदि एक्स का 20% बराबर वाई, तो 20 का y% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यानी एक्स का 20% वाई है, तो 20 का y% कितने प्रतिशत के बराबर होगा? ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, एक्स का 4%। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जाना जाता है? वह क्षेत्र कौन सा है जिसे चावल कटोरे के रूप में जाना जाता है, यहाँ वहाँ पर चावल जो है बहुतायत मात्रा पर पैदा होता है? दोस्तों ये क्षेत्र है, याद कर लीजिएगा आप लोग, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट सेंट हेलेंस नामक माउंट सेंट हेलेंस नामक ये जो ज्वालामुखी है ये निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? मैं ज्वालामुखी लिखना भूल गया हूँ। तो आपको बता दें दोस्तों जो ये माउंट सेंट हेलेंस है ये आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के भूगोल से यह प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, परंतु सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी तो बांग्लादेश के साथ है, और जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत, यदि ए बी सी प्राकृत संख्या है तो समीकरण ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 के विभिन्न हलों की संख्या क्या होगी? यानी अगर हम वो अलग अलग कौन सी संख्या हम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन ए बी सी की, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका सही ऑप्शन होगा 28 का सी, 10। अधिक अगर दोस्तों देखिए मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए सार्थक क्लासेस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, और वहाँ पर मैं और भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो चाहे मैथ की बात हो या साइंस की बात हो, यानी जी एस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है सबको मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो आप वहाँ से अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है किसी टॉपिक में और ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली जो है
उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। लेकिन दोस्तों जो आप हमें सजेस्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जीएस से संबंधित विषय में ही सजेस्ट करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 29, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30, जैसा आपको मालूम है 30 क्वेश्चन का मैं सेट लेके आता हूँ दोस्तों। तो कांग्रेस द्वारा गठित जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों अभी हाल ही में जो है 100 वर्ष पूरे हुए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के। तो वहीं से प्रश्न है, कांग्रेस ने उस समय जो है उस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी और उसका अध्यक्ष बनाया था, तो और उसका अध्यक्ष जो बनाया था वो मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे और जैसा आप लोग जानते हैं कि लास्ट में एक आज का प्रश्न देता हूँ, तो मैं प्रश्न बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए जब भी आप पूरा वीडियो देखिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चूंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और इसका जो आंसर होगा आपको जो है अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 यानी 18 उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो भारत का प्रथम जैव ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एंड लास्ट में दोस्तों ये सारे आंसर मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको यदि कोई डाउट लगता है तो यहाँ सारे आंसर आप देख सकते हैं पहुँच करके। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतनी ही बात करेंगे, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।